पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की चाय नगरी पालमपुर की आईमा पंचायत में युवाओं ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्ट्राइक का आयोजन किया। यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया की तरफ से हिमाचल के युवा आरुषि निर्चाल की ओर से स्ट्राइक आयोजित की गई। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग व क्लाइमेट चेंज पर लोगों को जागरूक करने की मुहिम शुरू की है। इस दौरान कोविड 19 की सभी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आईमा पंचायत की काफी महिलाएं भी इस स्ट्राइक में शामिल हुई। युवाओं का कहना है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मौसम व जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, उसके कारण कई नुकसान देखने को मिलते हैं। ऐसे में पर्यावरण को सुरक्षित करना एक अहम जिम्मेवारी सरकार प्रशासन की है और सभी लोगों की है, तो इस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो पर्यावरण के ऊपर है। पहले जब हमने पंचायत बनी तो हमने देखा कि हमारी पंचायत में बहुत ही गंदगी थी, जैसे कि लोग अपने घरों का कूड़ा जो था इधर उधर फेंक देते थे और आईमा पंचायतों में गंदगी फैल जाती थी और कुछ लोग कूड़े को जला देते थे, जिससे जो प्रदूषण होता था वो हमारी सेहत के लिए भी और हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता था। तो हमने एक मेरे जो एक्स में रहे प्रधान संजीव राणा जी ने उस पर एक अध्ययन किया और हमारी पूरी टीम, मैं खुद, मेरे वार्ड सदस्य, मेरा बीडीसी, मेरी जिला परिषद और मेरे सेक्रेटरी साहिबान और मेरे पंचायत के चौकीदार और मेरे आईमा के सभी बहन भाव भाई बंधु सब ने मिलकर कार्य किया और पूरे लोगों ने हमारा सहयोग किया। मेरा नाम आरुषि नरचाल है, मैं यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया के साथ में जुड़ी हुई हूँ। आज हमने यहाँ पालमपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर है, जिसमें कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसका कार्यक्रम को आयोजन करना इसलिए अनिवार्य है कि हमें लोगों को जागरूक करना है कि पर्यावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं और इसको, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव देखे जा रहे हैं तो उसके लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम अपने साथ 10 लोगों को और जोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि इसके क्या क्या प्रभाव हैं और हमारी आने वाली जनरेशन पे क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं, तो उसके लिए हमें आज ही एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए जो शुरुआत है वो हमें अपने घर से ही करनी है।